मेरे की और का तो मुझसे कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है इन्हें। डॉक्टर अभिमन्यु और अक्षरा का रोमांस, भाई ये रोमांस तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे क्या ट्विस्ट आ गया है फिर से इनकी लाइफ में? क्या है यहाँ पर प्यार, या फिर से शुरू हो गई है कोई नई तकरार? आइए ले चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। अभिमन्यु का आक्रोश, आक्रोश में अभिमन्यु ने किया तांडव। आज तो अभिमन्यु का तांडव करना बनता है, क्योंकि आज फिर से अभिमन्यु का दिल टूटा है और अपने वो टूटे दिल का गुस्सा कहाँ निकाले, इसीलिए खुद अकेले में तांडव कर अपना क्रोध निकाल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अब तो तांडव बनता है। इतने बार जो अक्षरा ने रिजेक्ट कर दिया उसको, फूल भी कुचल दिया, आज तो तांडव हो के रहेगा, कोई भी बीच में नहीं आएगा उस तांडव के। अब असल में अभिमन्यु अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए म्यूजिक थेरेपी क्लास में आया था, जहाँ पर उसका सामना फिर से अक्षरा से हो गया और वहाँ कुछ ऐसी बातें हुई कि एक बार फिर अभिमन्यु के दिल में अक्षरा के लिए चाह जाग उठी। इसीलिए वो हाथों में गुलाब का फूल लेकर जाने लगे अक्षरा के पास, फिर से उसे अपने प्यार का इजहार करने। लेकिन उससे पहले आरोही अक्षरा के पास पहुंच गई, फिर से उसकी परीक्षा लेने। मुझे पता है, देखो मैं तो करती हूँ, पर फिर देखो कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ लोग sister, you think about brother, you think about keeping everyone, the world happy, only खुद की दिल पे पत्थर और जिसने कर ली इससे गलती, मतलब प्यार करने की गलती उसकी। अक्षरा और आरोही के बीच बहस चली रही थी कि वहाँ कायरव आ गया, जो ये जानता है कि अक्षरा अपने दिल की बात छिपा रही है, इसीलिए वो फिर से अक्षरा से वही सवाल पूछता है। लेकिन अक्षरा आरोही को अपनी परीक्षा देते हुए कायरव से ये कह देती है कि उसके दिल में अभिमन्यु के लिए कुछ भी नहीं। मैडम, मेरा और अभिमन्यु का तो कोई मैच ही नहीं। वो डॉक्टर, मैं अभिमन्यु एक टॉप सर्जन है, कोई मैच नहीं। मैंने अक्षरा को बोला था कि जो अपने दिल की बात है वो बोल दे, अपने मन में मत रख, लेकिन अब यहाँ आके पता लग रहा है कि ये खुद बैकआउट कर रही है और आरोही कह रही है कि वो उसे प्यार करती है, तो मैं खुद पिसा हूँ दोनों बहनों के बीच में कि मैं क्या करूँ। ये ना पहले तो थर्ड व्हीली करते हैं हर जगह पे, ठीक है? तो या ना ये कभी किसी को कुछ बताते हैं ना, क्या बस सुन के लेंगे। मैं क्या अगर इनको पता है ये जाके बता सकते हैं ना अभिमन्यु को कि बेटा वो झूठ बोल रही है, बच्चे नहीं हो ना, मतलब वो झूठ नहीं बोल रही है, उसको पसंद है वो। He is respecting what you are telling him to do. You are saying not to tell him. तो वो क्या करें बेचारे? मैंने कभी नहीं, मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखो मैंने कहा था, मैं जब जा रही थी ना उदयपुर से बाहर पढ़ने के लिए, तब मैंने कहा भी था कि लड़की ढूंढ लो भैया, पर अब नहीं ढूंढी तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कहा था लड़की ढूंढ लो, ब्याह कर लो, सॉल्व हो जाए तो मैं कुछ करूं भी। सच बताओ, लड़की मिली नहीं है आपको? मिलेगी कैसे जब दोनों बहनों के पीछे घूमता रहूंगा मैं? भाई ये दिल का मामला है, बड़ा ही पेचीदा है। अब देखिए ना, जब अक्षरा आरोही के कहने पर कायरव से झूठ बोलने लगी तो उसका झूठ अभिमन्यु ने सुन लिया और उसे सच समझ बैठा। साथ ही जो गुलाब का फूल लाया था अक्षरा के लिए उसे तोड़कर फेंक दिया। उसमें शायद अभिमन्यु ने अक्षरा का चेहरा देखा,
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो फिर कुचल नहीं पाता ना, दैट्स द प्रॉब्लम ना, दैट्स द डिफरेंस. बट यू डोंट लाइक मी एनीमोर. व्हाट आर यू सेइंग? आफ्टर दिस आई वाज कमिंग विद अ फ्लावर टू अगेन आस्क यू कि यू नो व्हाट, ही ओनली लव्स यू. या आखिरी और पहला प्यार. ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूबते जाना है. अब इस आग के दरिया में अक्षरा और अभिमन्यु को और कितना जलना होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.